अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मेरे पास है एक छोटा सा व्लॉग जो कि मैं शूट कर चुकी थी, लेकिन सारी वीडियोस डिलीट हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा ख्वारी की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और बहुत ज़्यादा सब कुछ बनाया था, मैंने खुद ही बनाया था। तो मैंने दम पोहा बनाया था, मैंने साथ में काबुली पुलाव बनाया था, मैक्रोनी बनाई थी, दही बड़े बनाए थे मैंने, बारबेक्यू मैंने मैरिनेट की थी और मेरे हस्बैंड ने फिर बारबेक्यू बनाई थी और सैलेड भी किया था बहुत ज़्यादा मज़े मज़े के। और जो सीख कबाब ने हमारे तो वो हम तैयार लाए थे, तो आप लोग देख सकते हैं ये सब कुछ मैंने खुद ही तैयार किया हुआ है मेहमानों के लिए, जो कि बहुत टाइम आ रहे थे और मैं बहुत खुश थी उनके लिए। सो बहुत एक्साइटेड थी उनके लिए। तो ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है दम पोख्त, इसमें आलू मैंने डाले थे, प्याज डाला था, टमाटर डाला था और ये है दही बड़े और साथ में ये देखिए बारबेक्यू थी और फजर भी चढ़ी हुई है ऊपर डाइनिंग टेबल पे। हमने डाइनिंग टेबल पे सर्व नहीं करना था, ये जस्ट हम रूम में लाए थे, डाइनिंग टेबल के ऊपर रखा और फिर हमने शीट पर रख दिया था। आप लोग देख सकते हैं कितने मज़े मज़े के कलरफुल चीज़ें हैं। इनमें से कोई भी चीज़ या किसी चीज़ की भी रेसिपी आप लोग को चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जो काबुली पुलाव है ये तो मैंने चैनल पे डाल दी है और दम पोहा की वीडियो भी मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी इंशाल्लाह। और मैक्रोनी का नहीं पता, शायद ना हो। और देखें दम पोहा कितना मज़े का लग रहा है, सीरियसली गाइस मेरे तो मुँह में दोबारा से पानी आ जाता है, मेरे मुँह में हर टाइम पानी आ जाता है जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ। लेकिन ये देखें कितना कलरफुल लग रहा है हमारा दम पोहा। और ये हमारी सारी मेन्यू थी और सब कुछ मैंने खुद तैयार किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी और आप लोगों का फेवरेट कौन सा डिश है, और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये देखे सीख कबाब, इसको मैंने बस डेकोरेट कर दिया था सलाद के पत्तों के साथ और ये मैंने सैलेड किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार प्लेटर है। इसमें मैंने सर्व आउट कर दिया था दही बड़े, बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, इसके पकौड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आए थे और मैक्रोनी भी अच्छी बनी थी। मेरे हिसाब से मैक्रोनी अच्छी नहीं बनी थी, लेकिन गेस्ट मैक्रोनी की तारीफ़ कर रहे थे तो मैंने कहा चलो अच्छा है, मेहनत ज़ाया नहीं गई और काम आ गई। ये देखें मैक्रोनी, इसको मैंने मायोनीज़ और केचप के साथ डेकोरेट कर दिया था और ये बारबेक्यू गरम गरम सब कुछ रेडी था, बारबेक्यू जैसे ही बनी तो हमने सर्व आउट कर दिया। अच्छा जी, ये है छोटी सी दावत की वीडियो और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।